तो दोस्तों वैसे तो ट्रेन का जो टिकट है तत्काल बुकिंग वो 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इतना मतलब लोडिंग हो रहा था ना कि मेरा जो एप्लीकेशन है IRCTC का जो एप्लीकेशन वो खुल ही नहीं रहा था, इतना मतलब क्रैश हो रहा था। फिर मैं कुछ टाइम मतलब ट्राई करते गया, उसके बाद अभी जो फ्रेश चल रहा था तभी जाके मैंने इस पर रिकॉर्ड करना चालू किया हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं IRCTC का रेल कनेक्ट पे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ मतलब पेमेंट भी कर दिया था, मतलब पहले बार मतलब जो बुकिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था ना, मैं इसमें पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन वो बुकिंग मतलब पेमेंट मैं नहीं कर पा रहा था। पता नहीं मेरे फ़ोनपे में जो जो पैसा डिडक्ट होने का जो रिक्वेस्ट आता है ना, वो रिक्वेस्ट मेरे फ़ोनपे में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, बंद करके मैंने मतलब फिर से इसको ओपन किया IRCTC को, और फिर से मैंने लॉग इन किया, फिर से मैंने सब कुछ किया, उसके बाद मैंने फिर से पेमेंट किया है ना। और देखिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 11:07 हो चुका था, और 11 बजे मतलब 11 बजे से चालू होता है ना, और सीट मेरा था टोटल 90। तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं जो कैप्चा है ना वो भी बहुत लेट से हो रहा था। मतलब क्योंकि आपको मतलब हाई स्पीड इंटरनेट का मतलब ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मतलब इतना लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं ना बुकिंग के लिए, तो यहाँ पे बुकिंग नहीं होता। देखिए मैं अपना पिन दे देता हूँ, और ये कैप्चा है वो कैप्चा भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट जो कि है लॉगिन हो जाएगा है ना। और मुझे जाना है शक्तिपुंज एक्सप्रेस में, और रेणुकूट स्टेशन से मुझे हावड़ा स्टेशन तक जाना है ना। तो मैं देखिए यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, बुकिंग ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, और पहले से देखिए फ्रॉम रेणुकूट और टू हावड़ा जंक्शन, ठीक है ना। मैं इस पर कोटा को मैं तत्काल कर लिया और सर्च कर देता हूँ, और देखिए देख सकते हैं आप लोग स्लीपर पे यहाँ पे देखिए, और 15 सीट बचा हुआ है ना। यहाँ पे टोटल 90 सीट था, और मैंने यहाँ पे पैसेंजर लोगों को पहले से ही ऐड करके रखा था कि जो जो जाएंगे उसको मैं यहाँ पे पहले से ही ऐड करके रखा था 8 पैसेंजर। ये देख सकते हैं ये 4 पैसेंजर यहाँ पे जाने वाले हैं, और सबका सीट अलग अलग रहेगा तो अच्छा होता है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे पेमेंट कहाँ से करना है, भीम UPI से करना है, मुझे UPI पेमेंट करना है, इसलिए मैं UPI यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बुकिंग टिकट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ है ना। तो आप लोग अगर बुकिंग करने जाए ना जाएंगे तो पहले से आपको अपना जो पैसेंजर है उनको यहाँ पे सेट करके रखना है ना। फिर यहाँ पे देखिए कैप्चा फिर से मांग रहा है, तो यहाँ पे कैप्चा मांग देता हूँ और भर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे टोटल जो पैसा है वो कटने के लिए रेडी है। और मुझे यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं इसको UPI से पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे फ़ोनपे का मेरा पुराना फ़ोनपे का अकाउंट शो कर रहा था, तो मैं यहाँ पे फ़ोनपे भी क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए पे बाई एनी UPI ऐप कर देता हूँ है ना। इससे क्या होगा, मैं कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे के सिलेक्ट कर, देखिए यहाँ पे फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लिया, और अभी एयरटेल पेमेंट बैंक से मुझे पैसा डिडक्ट कराना है इसके लिए। और देखिए यहाँ पे पिन दे दूंगा, तो क्या है ना पेमेंट करते टाइम यह स्क्रीन ब्लैक हो जाता है यहाँ पे फ़ोनपे ना सिक्योरिटी के कारण। और देखिए मेरा जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो चुका है, और मुझे लगभग टिकट देखेंगे टिकट भी मिल चुका है ना, टिकट बुकिंग हो चुका है तत्काल में। आप लोग देख सकते हैं कन्फर्म CNF टोटल 4 सीट मैंने यहाँ पे बुक कर दिया तत्कालीन में, वो भी बहुत ही जल्दी करना होता है। मैं एकदम 11 बजे से ट्राई कर रहा था, एप्लीकेशन इतना क्रैश कर रहा था और इतना स्लो चल रहा था ना, मेरा टिकट बुक करते करते 11:09 हो चुका है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं टाइम जो कि है 11:10 हो चुका है अभी है ना। आप लोगों का अगर सीट लेना ही है तो आपको पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। आपको आप चाहें तो इस एप्लीकेशन में मतलब जो IRCTC एप्लीकेशन है ना, इसमें आप लोग पहले से पैसा को ऐड करके भी रख सकते हैं। क्या है ना कि आप यहाँ पे पैसा ऐड करके रखेंगे ना, तो आपके बुकिंग के टाइम आपको जो फ़ोनपे में जाना यहाँ पे जाना ये सब मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट अपने मतलब IRCTC का वॉलेट से ही अपना जो बैलेंस है उसको कटवा सकते हैं, और आपका जो टिकट है वो जल्दी से जल्दी बुक होगा। क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं कि अपना जो बैलेंस है ना वो अपने पेटीएम से ATM से मतलब फ़ोनपे से यहाँ से गूगल पे से यहाँ से वहाँ से कटवाने का कोशिश करते हैं, तो उसमें भी मतलब टाइम लग जाता है, कभी कभी OTP आने में भी लेट हो जाता है। तो आपको फंड पहले से इसमें अपलोड करके रखना है।